तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं न्यू रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने वाले पास्ता बहुत यम्मी और टेस्टी सा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने पास्ता और कुछ सब्जियां लिए हुए हैं, और हमने गरम कढ़ाई पे पानी और पास्ता डाल देते हैं, और तब हम इसे मिला देंगे। पानी खौलने के बाद डालेंगे हम पास्ता। अब हम इसे थोड़ा बहुत मिला देंगे। और अब हम थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे तेल, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढक देंगे। जब तक हमारी पक नहीं जाती तब तक हम ढकेंगे। और आई डोंट थिंक हमारा पका हुआ है कि नहीं, हम चेक करते हैं। तो ये पक चुका है। तो ये हमारा पक चुका है। अब हम किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे। तो हम इसे निकाल रहे हैं। तो हमारा पास्ता अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। अब हम इसे पहले निकाल लेते हैं। ये हमारा पास्ता बॉइल्ड हो चुका है। अब हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। अब हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया गरम होने के लिए। अब हम इस इधर सब्जियों को धो लेते हैं अच्छे से। वो जो हमारा था प्याज, टमाटर और धनिया, पहले हम प्याज टमाटर को अच्छे से धो लेंगे। मैंने प्याज को पहले से ही छील लिया है, और हम इस टमाटर को धो लेते हैं। और हमने इसे धो लिया है। अब हम इस धनिया को धोएंगे। तो ये हम धो रहे हैं, हम अच्छे से धोएंगे ताकि हमारा पास्ता कुछ अच्छा हो। पहले हम पूरे इसमें डाल देते हैं, तब अच्छे से धोएंगे। ऐसे ऐसे करके धोने पे अच्छे से धुलाता है। और हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने निकाल लिया पूरा। और ये रहा हमारा। और हम तेल में तेल डालेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। हरी मिर्च नहीं डालना है आपको, लाल मिर्च डालना है। लाल मिर्च से थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। और हम इसे फ्राई होने के छोड़ देंगे थोड़ा बहुत। पास हम इसमें प्याज डाल देते हैं, और हम प्याज को मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो मैंने प्याज को कट कर कर इसमें डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर तक ले छोड़ देंगे। और ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं आप। मैंने 2 मिनट तक छोड़ दिया था, 5 मिनट तक। और हम इसमें आप डालेंगे टमाटर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारा ये होने लगा है, बस आप टमाटर को होने देना है। और हम इसमें डालेंगे अब नमक। ये हमारा नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और
हम डालेंगे अब इसमें हल्दी। अब हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, आप अपनी हिसाब से डालिएगा। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा मिक्स हो रहा है, इसका अब कलर आ चुका है हल्दी का। और ये हमारा मसाला हो चुका है, हमारा टमाटर भी हो चुका है। अब हम इसे बाद में देखेंगे, पहले हम चलते हैं अपने मसाले की ओर। तो ये हमारा आ चुका है लहसुन, और ये दो पीस आधी छोटी छोटी पीस है, और हम इसे मिक्सर में पीस देते हैं। आप सिलौटी पे भी पीस सकते हो, मैंने इसमें पानी डाल दिया। आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप सिलौटी पे भी पीस सकते हो। और अब हम इसे पीसते हैं, तो ये हमारा पीस रहा है, हम चेक करते हैं, अभी नहीं हुआ है। तो हम फिर से थोड़ा सा चेक करते हैं हमारा हुआ है कि नहीं। हमारा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और होगा। अब हम चेक करते हैं हमारा हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा हो चुका है, अब हम देखते हैं मसाले की ओर। हम इसमें मसाले डाल देते हैं, वो जो हमने पीसा हुआ था प्याज वाले में, और मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और ये हम अच्छे से पहले इसे मिक्स कर देंगे, और हमने इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, और हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और हम ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। अब हमारे ये हो चुका है मसाला, लोगों को ठीक से वही करते ठीक है, क्या नहीं करते। दिखा रहे थे ना, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। अगारी हाथी कौन धरा गई थी पास्ता और कौन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, और इस तरह से मिक्स करने के बाद हमारा बॉइल्ड पास्ता जो है, अब हम इसमें ये पास्ता डालेंगे, बॉइल्ड पास्ता। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। भूस नु काट दल के ही उठा दे छी, तेरा में चार रही हुई से मेरे में। हम रोक दे, वीडियो हो गया, यहां दुखाता है, मिक्स कर देना चाहिए। पानी वाला पन ले ले, तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। हम इसमें पानी डालेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। पानी वाला बनाने तो आप पानी डाल सकते हैं, तब हम इसे ढक देंगे। उसके बाद ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए हमारा हो चुका है पास्ता, तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। आप लोग तो गाइस ये रहा हमारा पास्ता, डिलीशियस सा, टेस्टी सा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक इना फोटो अच्छा है ना कीजिए। और देखिए हमारा ऐसा दिख रहा है पास्ता, और खाने में बहुत टेस्टी होगा। तो ये हमारा पास्ता, तो थैंक यू वाचिंग फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा, मैं रखना चाहती हूं। कुछ बोल लेते हैं, टाइम चाहिए ना। बाय बाय, तो बाय बाय फ्रेंड्स।